चुरू के सादुलपुर में इन दिनों शीतलहर का दौर जारी है। बता दें कि कड़ाके की ठंड और शीतलहर से लोगों का जो अस्त व्यस्त हो गया है जनजीवन, और लगातार 3 से 4 दिनों से तापमान 0 से भी कम है, और इस वजह से चने और सरसों की फसल को भी नुकसान पहुंचा है। फसल चौपट हो गई है। किसानों ने फसल की गिरदावरी करवाकर तुरंत मुआवजा देने की मांग भी की है, और साथ ही किसानों का कहना है कि ठंड से फसल पूरी तरह नष्ट हो गई है, इस वजह से किसानों को भारी नुकसान हुआ है। समाज सेवी गायत्री पुनिया ने खराब हुई फसल का जायजा लिया और सरकार से किसानों को तुरंत मुआवजा देने की मांग की है। तो ठंड से पहले लोग परेशान हैं, अब फसल को भी नुकसान पहुंचा है। चने की बर्बादी और सरसों की बर्बादी हुई क्योंकि चुरू जिले में इतनी तेज ठंड पड़ी, बर्फबारी सी होने लग गई थी, बर्फ भी जम गई थी, माइनस में तापमान चला गया था, तो पूरी तरह से किसान की फसल बर्बाद हो चुकी है, और फसल नहीं किसान बर्बाद हो चुका है एक तरीके से। तो सरकार को इस जो ये हालात हैं किसान के, इनको देखते हुए एक अच्छे उचित मुआवजे की व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए और तुरंत करनी चाहिए, क्योंकि खेती में काफ़ी खर्चा किसान का लगता है।